अल्लाह तेरा है एहसान तूने। हेलो अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रैंड स्पून। तो आज फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए एक और मज़ेदार सा व्लॉग लेकर आई हूँ। मैंने सोचा मैं क्यों ना फ्रेंड आप लोगों के साथ अपनी सहरी की रूटीन शेयर करूँ और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ अपनी इफ्तारी की रूटीन भी शेयर करूँ कि मेरे घर में सहरी की क्या रूटीन है। और फ्रेंड्स बस अब सहरी होने में भी बस सहरी का टाइम भी फ्रेंड स्टार्ट हो गया। थोड़ा टाइम नहीं रहा लेकिन स्टार्ट हो गया है सहरी का टाइम। तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के साथ रूटीन शेयर करूँगी कि हमारे सहरी में क्या क्या होता है। और जो मेरी सिस्टर हैं बस मैं उनको उठा रही हूँ कि वो उठ जाएँ। वो चपाती वगैरह रेडी करती हैं और मैं टेबल वगैरह सेट करती हूँ। और फिर मैं इंशाल्लाह आपको जब टेबल सेट कर लूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी टेबल मैंने किस तरह सेट की है सहरी के लिए। एंड देन फ्रेंड्स उसके बाद फिर उसके बाद आज मैं इंशाल्लाह आज के ब्लॉग में आपसे अपनी इफ्तारी की रूटीन भी शेयर करूँगी कि जी आज हमारे घर इफ्तारी में क्या क्या बन रहा है, किस तरह मैं इफ्तारी की टेबल सेट करती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, चले थोड़ी देर तक आपसे बात करती हूँ। हाँ जी फ्रेंड्स, तो मैंने अपनी सिस्टर को उठा दिया है और मैं अब वो किचन में जा चुकी है सिस्टर। और पराठे वगैरह कोई रोटी खाता है कोई पराठे खाता है तो वो सिस्टर रेडी करने लग गई हैं। बस वेट कर रही हूँ और मैं साथ साथ टेबल पे चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता लगा चुकी हूँ। जब मैं पूरी टेबल सेट कर लूँगी फिर आपको पूरी टेबल की वीडियो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और बस जैसे अभी चपाती रेडी होती हैं तो मैं आपको भी जाके किचन में दिखाती हूँ कि मेरी सिस्टर पराठे और रोटियाँ वगैरह तो रेडी कर रही हैं और मैं यहाँ टेबल लाउंज में बैठी हूँ वेट कर रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अल्लाह तेरा है एहसान तूने बढ़ा दी सबकी शान, आया है बन के मेहमान नूरे रमजान। चली खत्म हुई नफरत दिल की, बांट रहे हैं प्यार सभी सहरी हो या अफ्तारी। अल्लाह तेरा है एहसान एक हुए सारे इंसान, सज गए घर घर दस्तरखान नूरे रमजान। अल्लाह तेरा है एहसान तूने बढ़ा। हेलो, हाँ जी फ्रेंड्स, तो हम लोग अब सहरी करके फारिग हो चुके हैं, सहरी का टाइम खत्म हो गया है। तो बस अब नमाज पढ़ेंगे और फिर इंशाल्लाह सोने की तैयारी करते हैं। और बहुत ज़्यादा नींद आ रही है लेकिन फ्रेंड्स अभी मैं अपने ब्लॉग में एंड नहीं कर रही, मैंने आप लोगों के साथ अपनी इफ्तारी की रूटीन भी शेयर करनी है। इफ्तारी में क्या क्या बन रहा है वो सब आप लोगों को मैं ज़रूर दिखाऊंगी। चलें जब तक आप वेट करें फिर आपसे होती है मुलाकात। ठीक है फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हाँ जी, अब मैं आप लोगों के साथ अपनी अफ्तारी की रूटीन शेयर करूंगी। पहले मैंने आप लोगों के साथ अपनी सहरी की रूटीन शेयर की थी, अब मैं आप लोगों के साथ अपनी अफ्तारी की रूटीन शेयर करूंगी फ्रेंड्स। तो हाँ जी फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मेरी सिस्टर और चिकन पॉकेट बनाने लगी हैं और फ्रेंड्स मैं बनाती हूँ जूसेस वगैरह। डेली में डिफरेंट जूस बनाती हूँ लेकिन टैंग हमारे घर डेली बनता है क्योंकि जो मेरा भांजा है आरिफ उसे टैंग बहुत ज़्यादा उसका फेवरेट है। और मैं मेरी सिस्टर और मेरी जो भांजियाँ हैं हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जूसेस बनाते रहते हैं। जैसे नींबू पानी बना लिया, जैसे जामिश्री बना लिया, जैसे ऑरेंज टैंग बना लिया, जो दिल करा वो बना लिया। तो और फ्रेंड्स मैं फ्रूट चाट भी बना के फ्रिज में रख चुकी हूँ। बस अभी फ्रेंड्स में साइड पे
बैठी हुई थी तो मैंने सोचा मैं यहीं से अपनी वीडियो स्टार्ट कर दूं। मैंने आप लोगों के लिए शहरी की रूटीन की वीडियो भी बनाई है, शहरी की रूटीन की वीडियो बनाई है, वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। अभी ज़रूर इंशाल्लाह शेयर करूंगी। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, अब हम किचन वाली साइड पर चलते हैं। मैं दिखाती हूँ आपको कि मेरी सिस्टर चिकन पॉकेट्स की रेसिपी किस तरह रेडी कर रही हैं, ठीक है। और टेबल सेट हो जाए तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको टेबल की भी वीडियो दिखाती हूँ। जी तो फ्रेंड्स, ये देखें चिकन पॉकेट की रेसिपी रेडी हो रही है। ये आप ही ने समोसे की पट्टियाँ ली हैं और इस पर हल्का सा, पहले हमने एक पट्टी ली है, फिर हमने दूसरी पट्टी ली और उस पर लाइट सा मैदा लगाया है। मैदे की हमने लई बनानी है, बिल्कुल ना ज़्यादा पतली हो ना मोटी हो। अब ये जो हमने चिकन, जो इसका मिक्सर है, वो हमने पहले चिकन को बॉयल किया, फिर हमने इसको बॉयल करने के बाद इसको शटर कर लिया, फिर उसमें हमने नमक और काली मिर्चें डाली और शिमला मिर्च और थोड़ी सी प्याज डाली, और इसमें अब हम चीज़ भी डालेंगे, चीज़ ऐड करने लगे। चीज़ के हम पीसीस करके डालेंगे। हमने मैदा लगाया, ये हमारी चिकन पॉकेट्स बन रेडी हो रही हैं। अब हम दूसरी साइड पे लगाएंगे इस तरह मैदा। अब हम इस साइड पे लगाएंगे। जी फ्रेंड्स, आपको समझ आ गई ये इस तरह बनेगी। अब हम आपको एक और बना के दिखाते हैं ताकि आपको बिल्कुल समझ आ जाए कि हमने किस तरीके से बनाई है। जी ये देखें, अब मैं आपको एक और बना के दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। बहुत इजी रेसिपी है, कोई मुश्किल नहीं है, और आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और जब ये सब रेडी हो जाएंगे फ्रेंड्स तो मैं आपको दिखा दूंगी सब आपने इस तरह बनानी है, और जब हम इसको फ्राई करेंगे तब भी आपको मैं दिखा दूंगी कि आपने इसको डीप फ्राई करना है या शैलो फ्राई करना है। मेरी सिस्टर को और मुझे बहुत शौक है हम रमज़ान में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनाएं। एक एक चीज़ खा के फ्रेंड्स तंग आ जाता है बंदा, दिल चाहता है डिफरेंट डिफरेंट आप चीज़ें ट्राई करते रहें। चले फ्रेंड्स, सब रेडी हो जाएं, फिर मैं आपको इसके बाद इसकी लुक दिखाऊंगी। जब मेरी सिस्टर इसको फ्राई करेंगी तो देन मैं आपको उस टाइम दिखाऊंगी कि आपने डीप फ्राई करना है या शैलो फ्राई करना है, ठीक है। जी तो फ्रेंड्स, ये देखें, ये चिकन पॉकेट्स मैं आपको बता रही थी ना कि इसको हम डीप फ्राई करेंगे शैलो फ्राई, तो ये डीप फ्राई हो रहे हैं। ये बिल्कुल समोसों की तरह होते हैं लेकिन वो डिफरेंट शक्ल में हो जाते हैं। तो ये देखें, चलें फ्रेंड्स ये रेडी हो जाएं सारे, फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ कैसे बने। जी फ्रेंड्स, तो अब मैं अफ्तारी की तैयारी कर रही हूँ। अब अभी मैं इस टाइम बना रही थी फ्रूट चाट, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं फ्रूट चाट में क्या क्या चीज़ें डाल रही हूँ। और शहरी की रूटीन मैं आप लोगों को फ्रेंड्स सिखा चुकी हूँ, उसकी वीडियो मैं बना चुकी हूँ वो मैं आपसे जल्द शेयर करूँगी। और तो ये देखें फ्रेंड्स, ये मैं फ्रूट चाट बना रही हूँ, इसमें एप्पल डाल चुकी हूँ, बनाना डाल चुकी हूँ, और अब मैं अमरूद काटने लगी थी, और इसमें खरबूजा, और इसमें जो जो मसाले ऐड करती हूँ मैं, वो मैं आपको अभी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। जी फ्रेंड्स, तो मैं इसमें मेलन भी डाल चुकी हूँ, इसमें मैं अमरूद भी डाल चुकी हूँ। अब जो जो फ्रूट्स हों आप वो इसमें डाल सकते हैं फ्रेंड्स। और इसमें मैंने थोड़ी सी चीनी डाली है क्योंकि हम लोग ज़्यादा चीनी यूज़ नहीं करते, तो लाइट सी चीनी मैंने डाली है। और मैं जब भी फ्रूट चाट बनाती हूँ तो उसमें मैं टैंग ज़रूर डालती हूँ, एक चम्मच या दो चम्मच टैंग लास्ट में डालती हूँ, उससे टेस्ट मज़े का हो जाता है। और फ्रेंड्स, मैं इसमें स्पाइसेस डालने लगी हूँ, तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी फ्रेंड नमक,
तो जी फ्रेंड्स, मैं एक चम्मच इसमें नमक डाल चुकी हूँ और अब मैं इसमें हाफ स्पून में इसमें रेड चिली पाउडर डालूँगी। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने रेड चिली पाउडर भी डाल दिया। अब मैं इसमें ब्लैक पेपर डालूँगी, वो भी मैं हाफ टी स्पून ही डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि वो गले में लगती है बहुत ज़्यादा। ये फ्रेंड्स, अब मैंने सब स्पाइसेस डाल दी हैं, बस अब लास्ट में मैं डालूँगी थोड़ा सा चाट मसाला, उससे भी टेस्ट मज़े का आता है। फिर हमारी फ्रूट चाट रेडी है। कभी मैं क्रीमी फ्रूट चाट बना देती हूँ, क्रीम वाली, या मेरे घर वाले ज़्यादातर इस तरह के शौक से खाते हैं तो मैं ये वाली बनाती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो जी फ्रेंड्स, अब मैंने सारी स्पाइसेस डाल दी हैं, मैं इनको मिक्स कर रही हूँ, हर अच्छी तरह हर जगह से मिक्स कर रही हूँ। तो जी फ्रेंड्स, ये देखें, ये मेरी फ्रूट चाट की फाइनल लुक है। ये टैंग डालने से कितनी प्यारी इसकी शक्ल लग रही है। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं आपको और चीज़ें बताती हूँ मैं आज इफ्तारी में क्या क्या बना रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अल्लाह तेरा है एहसान, तूने बढ़ा दी सबकी शान, आया है बन के मेहमान नूरे रमजान। कैसी हवा इश्क चली, खत्म हुई नफरत दिल की बांट रहे। फ्रेंड्स, तो हम लोग अफ्तारी कर चुके हैं और मैं फ्रेंड्स मगरिब की नमाज़ भी पढ़ के फारिग हो चुकी हूँ। तो बस फ्रेंड्स, अब मैं दोबारा किचन में आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। जब तक आप अफ्तारी के बाद चाय ना पी लें तो फिर सर में दर्द होता रहता है और सुस्ती भी चढ़ी रहती है। तो फ्रेंड्स, ये देखें, मैंने चूल्हे पर चाय रखी है। फ्रेंड्स, ये चाय बन रही है, मैंने हल्की आँच पे रखी हुई है। और ये फ्रेंड्स, मैंने कप शप्स वगैरह रेडी करके रख ली है, बस फ्राई बॉयल होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको मेरी सारी रूटीन, इफ्तारी रूटीन, और मैं आपको व्लॉग में चीज़ें दिखाएंगी। क्या आपको इफ्तारी की मैंने टेबल सेट की थी, आपको मेरी सर्विंग कैसी लगी, और आपको जो जो मेरे डिशेज में आपको मेरी वो कैसी लगी, और आप लोग बताया अपने कमेंट्स में आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं या नहीं। मेरी वीडियोस को ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें। मेरा जो चैनल है ग्रैंड स्पून, उसको सब्सक्राइब कर लेकर मैंने लाइक का बटन भी प्रेस करा था, जब तमाम वीडियोस का मुझे सबसे पहले मिले। तो चलें ठीक है फ्रेंड्स, चाय मेरी रेडी हो गई है, तो चलें मैं चाय इंजॉय करती हूँ और अपनी थकावट दूर करती हूँ। आप मुझे जिसका दिल कर रहा है वो भी आए, हम उनको चाय वो भी आए और मेरे साथ चाय इंजॉय करें। चलें ठीक है फ्रेंड्स, बस अब मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, ढेर सारी दुआएं याद रखिएगा। बाय बाय।